सबको गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाने वाली हूँ, दैट इज इंटेलेबल इंक। इंटेलेबल इंक और इलेक्ट्रोड स्टेन, फॉस्फोरिक इंक, इन शॉर्ट ये वर्ड्स काफ़ी हैवी लग रहे होंगे आपको। अगर आप सबने इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ा ध्यान दिया हो और इवन सबने देखा है कि इलेक्शंस के टाइम पे ना हमारी फिंगर पे जो इंडेक्स फिंगर होती है, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, इस पर एक इंक लगाई जाती है। तो वो इंक क्या होती है, क्यों लगाई जाती है, किस चीज़ की बनी होती है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अलावा हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जो फर्स्ट वोटर थे वो कौन थे, और ये इंक जो हम इलेक्शंस के टाइम पे यूज़ करते हैं ये सबसे पहले कहाँ पे बननी स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे से इसकी प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। नॉट इवन इन इंडिया, इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ में इसकी सप्लाई होती है। सो आज की ये जो वीडियो है ना, ये इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है और इस वीडियो के कंप्लीट होने तक आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और जिस भी मोमेंट पे आपको लगता है कि वीडियो लाइक डिजर्व करती है तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक करिए, उसका कोई टैक्स नहीं लगता है। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है इंटेलेबल इंक, इसको हिंदी में अमिट शाही भी कहते हैं। मीन्स कि ऐसी इंक जो हमारी फिंगर पर लग जाती है, तो ये जो है ना सेमी परमानेंट भी होती है और टेम्परेरी भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सेमी परमानेंट इसलिए होती है क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी फिंगर पे रहती है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल परमानेंट ही हो जाती है। इसे हिंदी में अमिट शाही कहते हैं और या फिर इसको जो कॉमन नेम है, इसको जो आपने सुना होगा उसे वोटर्स इंक कहते हैं। अब आपके पास देखिए यहाँ पे इंटेलेबल इंक है, इसमें आप जो भी पॉइंट्स मैंने बोले अमिट शाही और वोटर्स इंक, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इंक है ना, इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसकी वजह से जो स्टेन का मार्क रहता है, जो फिंगर पे इंक लगाई जाती है उसका मार्क काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना कि काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, कितने लंबे टाइम तक रहता है ये सबको पता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा रहता है, बट एग्जैक्टली कितने टाइम्स तक रहता है। तो देखिए ये जो इंक है की फिंगर पे 72 to 96 आवर्स, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं 2 से 4 हफ्तों तक ये फिंगर नेल और क्यूटिकल एरिया पे रहती है। अब 2 से 4 वीक का मतलब हो गया ऑलमोस्ट अ मंथ। इसके अलावा इसमें जो और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जिस फिंगर पे इसको लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारी ये वाली फिंगर होती है जिसको हम फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं या फिर फर्स्ट फिंगर। देखिए ये जो फिंगर है इसको 3 नाम दे रखे हैं, तीनों में से आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंडेक्स फिंगर, सेकेंड वन इज फोर फिंगर एंड नंबर थर्ड इज फर्स्ट फिंगर। इसके बाद में जो इंटेलेबल इंक है, ये जो अमिट शाही है, इसका कलर कैसा होता है सबने देखा है। एक ना ये पर्पल से शेड में होती है, वॉयलेट सा कलर इसका होता है, लेकिन जब इसको लगाया जाता है, जब लगाने के बाद में ये सूख जाती है या कोई फोटो सेंसिटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आती है, जैसे सनलाइट हो गया या फिर जो लाइट होती है उसके कांटेक्ट में जब आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ये सूख जाती है। और सूखने के बाद जो इसका कलर होता है, या तो ये ब्लैक हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मेरा पॉइंट वॉयलेंट इन कलर बिफोर द फोटो सेंसिटिव इफेक्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, वॉयलेंट कलर। और ये सारे टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, मतलब इसमें जो मेरा फेवरेट वाला पोर्शन है वो ये कि जो ये इंक है ना, इसमें जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, मतलब जब हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था, तो इलेक्शंस जब हुए थे 1951 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे ब्रिटिश रूल से आज़ाद होने के बाद, तो जो सबसे फर्स्ट वोटर थे, मतलब ये क्वेश्चन आपके जीके में पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। सो फर्स्ट वोटर जो थे ना इंडिया के, वो कौन थे? सो इसका आंसर है श्याम शरण नेगी, ठीक है। ये है वो शख्स श्याम शरण नेगी, आपको वीडियो में इसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। ये जो है ना श्याम शरण नेगी, इनका जो बर्थ था वो 1 जुलाई 1917 का हुआ है। और कमाल की बात ये है कि जो 1917 में जब इनका बर्थ हुआ था, तब से लेके अभी तक ये प्रेजेंट में है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए श्याम शरण नेगी, इनका जो बर्थ है वो 1 जुलाई 1917। उसके अलावा ये कहाँ से हैं? ये हिमाचल प्रदेश के कल्पा जगह से हैं और ये एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, ठीक है। सो इसके अलावा जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सनम रे मूवी जो बॉलीवुड की मूवी है सनम रे, यामी गौतम और पुलकित सम्राट की, उनमें इनकी स्पेशल अपीयरेंस थी उस मूवी में। सो यू कैन से कि इनका जो बॉलीवुड डेब्यू था वो 1997 की एज में हुआ था, ठीक है। सो श्याम शरण नेगी इनका बर्थ आपको पता होना चाहिए, 1 जुलाई 1917 का है। उसके अलावा ये एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के कल्पा जगह पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सनम रे मूवी वाला मैंने आपको बता दिया है, एट द एज ऑफ 97 एज में इन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था। उसके बाद में इनके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यह भी मैंने आपको बताया। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट वोटर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन थे। सो श्याम शरण नेगी। इसके अलावा इनका जो इलेक्शन, जो इन्होंने वोटिंग करी थी वो जो डेट थी वो थी 25 अक्टूबर 1951। 1951 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में इन्होंने फर्स्ट वोट किया था। इसके अलावा जो इंक जो प्रोड्यूस होती है, अब उसमें क्या है, जैसे कि आपकी फिंगर पे लगी है तो उसकी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं तो हो रही होगी। अब जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है उसमें कुछ ना कुछ हद तक कॉस्ट आती ही आती है, ठीक है। बट जो हमारी गवर्नमेंट है ना, अब उसमें कितना उसका अमाउंट देती है और कितना उस इंक पे एक पर पर्सन खर्चा आता है। सो आज आपको ये भी पता चलने वाला है, अगर नहीं भी पता है, और अगर पता है तो कमेंट करिए और नहीं पता है तो सुन लीजिए। इसमें ना 2.2 मतलब 2 से 2.5 रुपए तक का खर्चा एक पर पर्सन इस इंक को बनाने में आता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ पे होती है। सो ये जो इंक है ना, इंडेलेबल इंक, ये मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये स्टार्ट करी थी। ये एक रॉयल फैमिली ने ये कंपनी स्टार्ट करी थी, लेकिन उसके बाद में इसको कर्नाटक गवर्नमेंट के अधीन कर दिया था। अब ये जो है ना मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, ये इकलौती ऐसी कंपनी है हमारे इंडिया में जो इस इंक को प्रोड्यूस करती है। और ये जो कंपनी है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1937 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, मैसूर एंड वार्निश पेंट लिमिटेड, ठीक है। अभी जो मॉडर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका है वहाँ पे ये है, वहाँ की गवर्नमेंट के पास ये कंपनी है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज में ये इंक को मैन्युफैक्चर करके पहुँचाती है। इसके बाद में अभी मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसका जो नाम है वो है इंडेलेबल इंक। के अलावा आपको एग्जाम में कई बार इसमें इलेक्ट्रॉल इंक भी देखने को मिल सकती है, इलेक्ट्रॉल स्टेन भी हो सकता है, फॉस्फोरिक इंक भी हो सकता है, और हिंदी में इसको अमित शाही भी कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन नेम थे और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दिस इंक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।